नीनोस टीवी। जादुई लॉकेट और चिड़िया। एक गांव की बात है, एक गरीब चिड़िया होती है जिसका नाम चीनू होता है, जो अपना गुजारा चूड़ियां बेचकर चलाती थी। चूड़ियां ले लो बहन, चूड़ी ले लो। नहीं, अभी मुझे चूड़ियां नहीं चाहिए। कभी कोई लेता था, कभी नहीं। कभी कभी तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। सुबह उठकर चूड़ियां बेचने निकलती है। बहन, तुम चूड़ियां खरीद लो। नहीं, अभी नहीं। बहुत सुंदर लगेंगी। नहीं चाहिए, है मेरे पास, सभी नहीं चाहिए। वह उदास होकर शाम को अपने घर लौट आती है। पता नहीं मेरी गरीबी कब कम होगी, कम से कम खाना तो मिल जाया करे। क्या करूं, समझ नहीं आता। उसे अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने उसे अपनी माँ का एक लॉकेट दिया था। वह लॉकेट जादुई होता है। चीनू चिड़िया कहती है, मेरी माँ ने कहा था जब तुम्हें कोई मजबूरी या कोई परेशानी हो तब इस लॉकेट का इस्तेमाल करना। चीनू चिड़िया उस लॉकेट से कहती है कि मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, खाने के लिए भी कुछ नहीं है मेरे पास, 2 दिन से भूखी हूँ। मैं चूड़ियाँ बेचती हूँ पर इतनी कमाई नहीं हो पाती, मैं क्या करूँ, तुम ही मेरी मदद कर दो, बहुत भला होगा तुम्हारा। जादुई लॉकेट से अचानक बहुत ही सुंदर डिजाइन की चूड़ियाँ कंगन आ जाते हैं। वहाँ से आवाज आती है कि तुम्हारे पास जो बेचने के लिए चूड़ियाँ थी वह बहुत सादी और पुराने डिजाइन की थी, इसलिए वह बिक नहीं रही थी। तुम ये चूड़ियाँ और कंगन बेचो, तुम्हें फायदा होगा। चीनू चिड़िया वह कंगन और चूड़ियाँ बेचने निकलती है। पूछती है, बहन सुंदर सुंदर डिजाइन के कंगन हैं, ले लो बहन, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है, लाओ मुझे तुम सारी चूड़ियाँ ही दे दो। चीनू चिड़िया की सभी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। वह बहुत खुश होती है। शाम को घर आकर कितने दिनों बाद खाना खा पाती है और खुशी के मारे रोने लगती है। वह हर रोज लॉकेट से चूड़ियाँ मांगती है नए नए डिजाइन की और बाजार में बेच आती है। बहन बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, ले लो। हाँ सुंदर चूड़ियाँ तो हैं, लाओ ये सब चूड़ियाँ मुझे दे दो। चीनू चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती है।